दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ी महिला ब्राह्मण समाज के द्वारा तीज मिलन मनाया गया। अध्यक्ष सुमन पांडे ने नया थीम प्रस्तुत किया और सभी को सनातनी धर्म और समाज को एक नई दिशा देने के लिए इस कार्यक्रम में भक्ति संगीत पर नृत्य का प्रतियोगिता रखी गई, जिसमें लक्ष्मी नारायण बनी अपर्णा चौबे, मीना पांडे, राधा कृष्ण बने आशा शुक्ला व संध्या तिवारी, शिव बनी मुस्कान दीवान, पार्वती बनी कविता मिश्रा, शकुंतला बनी तुलिका तिवारी ने अद्भुत प्रदर्शन किया। रुक्मणी बनी गरिमा शुक्ला, राम बने वंश सुनील तिवारी, नृत्य नाटिका में शबरी का रोल श्रीमती शैली शुक्ला ने किया। उनका अद्भुत प्रदर्शन ने सबका मन मोह लिया। गणेश जी बने विराज तिवारी, सुदाम चरित्र की प्रस्तुति अनुनय तिवारी ने दी। तीज मिलन के कार्यक्रम में शामिल अध्यक्ष सुमन पांडे ने बताया कि छत्तीसगढ़ महतारी के सामने सभी नतमस्तक होकर भगवान से उनकी संपन्नता और कुशलता की कामना की और साथ ही इस दौरान नृत्य छत्तीसगढ़ी राजभाषा मोर अरपा पैरी के धान पर करने लगे। इस दौरान इस प्रस्तुति को देखकर दर्शक भाव विभोर होने लगे और नृत्य करने लगे। मीराबाई की भूमिका में सुमन पांडे के साथ गीतांजलि तिवारी ने सभी का स्वागत किया। प्रज्वल अखंड ब्राह्मण समाज के वरिष्ठ सदस्य लता शर्मा, रत्ना शर्मा को तीज मिलन सम्मान से सम्मानित किया गया। साथ ही सोलह श्रृंगार में सर्वश्रेष्ठ रही सोनाली शर्मा और तीज क्वीन बनी प्रणीता शुक्ला ने कृष्ण भजन में नृत्य किया। उन्नति शर्मा, ज्योति शर्मा ने शानदार कविता की मनमोहक यहाँ पर प्रस्तुतियाँ दी, जिसको सुन सभी भाव विभोर हो उठे। इस दौरान रंग बिरंगी परिधानों में सजी महिलाएं तीज मिलन का लुत्फ उठाती देखी गई। रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ पर प्रस्तुत किए गए। हम लोग तीज मिलन सबसे लास्ट में बहुत लेट हो गए हैं, गणेश का पर्व आ गया है, लेकिन मैंने एक थीम रखा है, केवल भक्ति संगीत और भक्ति नृत्य पे ही हो, और सब लोग राधा कृष्ण विष्णु लक्ष्मी राम सीता और भगवान के ही अवतार बन के आए हुए हैं। बीच में हमने छत्तीसगढ़ महतारी को रखा है और छत्तीसगढ़ महतारी की आराधना हुई और ऐसी आराधना हुई कि उसके साथ सारे भगवान झूमने लगे। और हम छत्तीसगढ़ के मूल निवासी हैं और हमने देखा कि सारे भगवान छत्तीसगढ़ के इर्द गिर्द नाचने लगे। ये हमारे लिए हमारे गर्व की बात है और एक थीम लोगों में पहुंचाना चाहते हैं। अभी जो फूहड़ डांस होता है, वाहियात तरह की नृत्य होती है, उसका हम विरोध करें और शालीन सोबर और एक संदेशात्मक कार्य हम तीज मिलन के माध्यम से लोगों तक पहुंचाएं। अभी हमारे यहाँ तीन बुजुर्ग महिला जिनका सदैव समाज में सहयोग रहा है, हम उनका सम्मान करेंगे और उनका तीज का उपहार उनको देंगे। इस तरह सब लोग का सहयोग शक्ति और मेरे समाज की सभी बहनें मेरी शक्ति हैं और हम लोग इस प्रोग्राम को आयोजित करते हैं। ब्राह्मण समाज द्वारा क्या जा रहा है? हम लोग छत्तीसगढ़ी सरीपारी ब्राह्मण समाज की ओर से सुमन पांडे ग्रुप के हैं और हम लोगों ने बहुत मेहनत की है और सिर्फ 2 दिन में प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है और इस बार गणेश पक्ष का समय चल रहा है करके हम लोगों ने पूरा भक्तिमय कार्यक्रम सारे भगवानों के रूप, वेशभूषा, फैंसी ड्रेस, इन्हीं सब में पूरा अपना कॉन्सेंट्रेट किया है। और हमारे मैं लक्ष्मी बनी हूँ, हमारे विष्णु जी हैं, हमारी दीदी मीरा जी बनी हुई हैं, सब बहुत खुश हैं और पार्वती जी बनी हैं, सब बहुत इंजॉय कर रहे हैं। ये हमारे घर का प्रोग्राम है। सरयू पाली ब्राह्मण समाज का तीज मिलन कार्यक्रम रखा गया है, जिसके अध्यक्ष श्रीमती महिला अध्यक्ष जिला अध्यक्ष सुमन पांडे जी हैं और उनके नेतृत्व में यह कार्यक्रम रखा गया है। ये आपसी सौहार्द और प्रेम को बढ़ाने के लिए और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए तीज मिलन का कार्यक्रम रखा गया है और इसमें सभी प्रकार के कार्यक्रमों का समावेश है, जिसमें सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय प्रमुख है। और इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य आपसी प्रेम और समाज को संगठित करना प्रमुख है। इसके माध्यम से विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रम, विशेषकर हमारे संस्कृति परंपरा और धार्मिक आस्था को बढ़ाने के लिए आयोजन किया गया है और बहुत बढ़िया। और मैं श्री राधा रानी और ये मेरे श्री कृष्ण भगवान आशा शुक्ला एवं संध्या तिवारी के रूप में आपके सामने उपस्थित हैं। ये सरयूपारी ब्राह्मण समाज अध्यक्ष श्रीमती सुमन पांडे के नेतृत्व में सभी दीदी के सहयोग से ये कार्यक्रम बहुत ही अच्छा और बढ़िया हुआ है।
जिसमें तरह तरह के सब अपने अपने बहुत कम समय में इन्होंने जो तैयारी की है वो उल्लेखनीय है। ख़ासतौर से एक बहुत ही अच्छी सैल किरण दीदी, उनका जो शबरी डांस था, और अविलर तिवारी एक बच्चा है उसका जो भजन गाना था वो बहुत ही बढ़िया था। और दीदी ऐसे आयोजन लगातार करते रहती हैं जो हमें बड़ा आनंदित करता है। ACN न्यूज़ के लिए शाहीन खान की रिपोर्ट।